नमस्कार, आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दो दिन के बाद शुक्रवार को जुमे का दिन है। वैसे तो ये इबादत का खास मुकद्दस दिन है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से चंद लोगों ने शुक्रवार को लोगों के लिए दहशत का दिन बना दिया। कब किस शहर की सड़कों पर पत्थर और गोलियां बरसने लगे, इस बात का डर आम आदमी को सताने लगा। और यह सब हो रहा है विरोध के नाम पर। प्रदर्शन करने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है, और यही संविधान हर नागरिक की जान माल की सुरक्षा का भी अधिकार देता है। इसलिए अगर कोई भी विरोध के नाम पर सड़कों पर पत्थरबाजी और आगजनी कर रहा है तो उसे कानून के कटघरे में अपना हिसाब देना होगा। सवाल यह है कि प्रदर्शन के नाम पर मासूमों को भड़काने वाले दंगा गैंग पर लगाम कब लगे? क्या हर शुक्रवार लोग इसी तरीके से खौफ में जीने को मजबूर होंगे? आज देश को जवाब दो में बहस इसी मुद्दे पर। हमारे कुछ सवाल हैं, जल्दी से वो सवाल लिखिए। जुमे की तैयारी या फिर तबाही की बारी? फिर से ऐलान किया जा रहा जुमे के दिन। विरोध के नाम पर नफरत का पैगाम क्यों? पहले गोलियां बरसाएंगे फिर विक्टिम कार्ड दिखाएंगे कि साहब हम पर जुल्म हो रहा है। मासूमों के हाथों में पत्थर थमाने वालों पर शिकंजा कब? क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी, उसमें कई कम उम्र के युवा हैं, कई बच्चे हैं जो विरोध प्रदर्शन में शामिल है, हाथों में पत्थर। अब सोचिए उनके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। जुमे की तैयारी, पत्थरबाजी पड़ेगी भारी। हिंसा का नापाक सोशल मीडिया प्लान, जिहादियों के फसाद का हर दिन हिसाब। दो दिन बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले देश में एक सवाल हर किसी की जुबान पर है। पत्थरबाजी, फायरिंग, आगजनी और हुड़दंग का वो मंजर लोगों के जहन में अब भी ताजा है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जाना जरूरी है क्योंकि दंगा गैंग अब भी लोगों को भड़काने के काम में जुटा है। हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय पर कम से कम 2 लाख मुसलमान जमा हो। इस बेईमान हिंदुस्तान में हम नहीं रहना चाहते, हमें जेल में भेज दो, हम जेल में रहना चाहते हैं। हिंसा की जांच से अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उपद्रव के लिए पहले से तैयारी की गई थी, बच्चों को पत्थरबाजी के लिए पैसे दिए गए। हिंसा से पहले बच्चों को कई बार बिरयानी खिलाई गई, बिरयानी बेचने वाले व्यापारियों ने फंडिंग की, निर्माणाधीन इमारतों पर पत्थर जमा किए गए, बिल्डरों ने पैसा मुहैया कराया था। हिंसा की साजिश में विदेशों से मिलने वाला पैसा अहम कड़ी है। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश सामने आई है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर भारत में मुसलमानों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। कई देशों से 60,000 से ज्यादा नॉन वेरिफाइड अकाउंट से भड़काने के लिए अलग अलग हैशटैग का प्रयोग किया गया। इनमें से 7,100 से ज्यादा अकाउंट तो पाकिस्तान से चल रहे थे। इन अकाउंट से फेक न्यूज और वीडियो फैलाए गए। साफ है कि एक एक डॉलर के लिए दुनिया भर में भीख मांग रहा पाकिस्तान इस मुद्दे पर भारत में माहौल खराब करने की फिराक में है। एक तरफ ओवैसी जैसे नेता है जो मुस्लिम कार्ड खेलकर एक धर्म के लोगों को पीड़ित बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ तौकीर रजा जैसे नफरत की फसल बोने वाले मौलाना। सरकार पर सवाल उठाने वाले ओवैसी इस बात पर चुप्पी साधे हैं कि हिंसा में पत्थर और गोलियां बरसाने वाले कौन है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है, और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है, हाथ तोड़ देते हैं। लेकिन ओवैसी साहब ये भूल गए कि गोलियां और पत्थर बरसाने वाले को कानून अपराधी मानता है। दो दिन बाद जुमे के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। एक तरफ धर्मगुरुओं के साथ बैठक की जा रही है, दूसरी तरफ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। हर दिन दंगाइयों की तस्वीर सार्वजनिक हो रही है, गिरफ्तारियों का दौर जारी है। संदेश साफ है कि अगर हुड़दंग किया तो कानूनी कार्रवाई से आप बचोगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए देश को जवाब दो में मैं बहस की शुरुआत करूं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। गैंग्स ऑफ वासेपुर ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एडमिन नवाब चिश्ती को गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को इसने भड़काया था। ग्रुप के जरिए लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन अब उस
ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ इस वक्त रांची से चंदन जुड़ रहे हैं और हमारे बाकी तीन सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हितेन बरेली से जुड़ रहे हैं, अंजनी सहारनपुर से और सचिन प्रयागराज से। सबसे पहले मैं चंदन आपके पास आ रहा हूं, ये कौन है ग्रुप एडमिन जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाया था, कौन है ये? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से शुक्रवार को घटना घटी, हिंसा हुई और इसके पीछे पूरी जो कहानी रची गई थी, तो वासेपुर गैंग के नाम से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आईडी बनाया गया था और उससे लोगों को जुड़ने की अपील की जा रही थी, उसी से लोग जुड़ रहे थे और उस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। और उसके बारे में जो जानकारी मिल रही, पहले भी इस तरह के हिंसा उसकाने के आरोप में दो बार वो जेल जा चुका है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में वो है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेज चुकी है। अब तक इस मामले में कुल 29 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में हो चुके हैं और कई लोग, लगभग बड़ी संख्या में लोग हिरासत में भी हैं। ठीक है। चंदन बने रहिए हमारे साथ, मैं हितेन आपके पास आ रहा हूं। हितेन, बरेली इस वक्त सुर्खियों में है जब से तौकीर रजा ने कहा कि हम तो विरोध प्रदर्शन करके रहेंगे, तो जुमे के दिन होगा या दिन बदल दिया उन्होंने? नहीं, अब जुमे के दिन नहीं होगा पृथ्वी, अब रविवार के दिन ये प्रदर्शन होगा और दोपहर में 3 से 5, और उसमें भी ये तब्दीली ये की गई है कि पहले बोला गया था कि बच्चे और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होगी उस प्रदर्शन में, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती के बाद ये फैसला लिया गया है कि बच्चे और महिलाओं को उस प्रदर्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि ये दिन आगे बढ़ाया गया है या फिर एक सोची समझी साजिश है, ये तो जुम्मे के दिन साफ हो पाएगा, लेकिन 2010 में भी कुछ इसी तरीके का आरोप जो है तौकीर रजा पर लगा था, कर्फ्यू था बरेली में और उस कर्फ्यू के दौरान इस तरह का एक प्रदर्शन बुलाया गया और हिंसा फैली थी, तो कहीं ना कहीं फिर एक बार जुम्मे के दिन 17 जून को कुछ ना हो, इसलिए हो सकता है खुद का नाम। ठीक है, चलिए अपडेट दिया हमें हितेन ने कि 17 तारीख को जुमे के दिन वाला पोस्टपोन कर दिया, अब वो रविवार को होगा और महिलाओं और बच्चों को जो शामिल होने के लिए बार बार तौकीर रजा की तरफ से कहा जा रहा था प्रदर्शन होगा, लेकिन उसमें वो शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ सचिन जुड़े हैं प्रयागराज से। सचिन, पोस्टर्स पुलिस ने निकाले हैं उस हिंसा के, कितने लोग हैं उसमें जो दिख रहे हैं साफ साफ? बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ जी बिल्कुल आपको बता दें यहाँ पर कि पोस्टर्स जो है वो पुलिस द्वारा रिलीज किए गए हैं, लेकिन आपको जानकारी दें कि संख्या जो है वो मेरे अगर जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर लगभग ये बताया जा रहा है कि 50-60 ऐसे वो लोग हैं जिनको पोस्टर्स के जरिए पहचान करने की बात जो है वो कही जा रही है। ये कहा गया है कि पोस्टर्स जो है रिलीज कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी भी पहचान जल्द से जल्द हो। हालांकि आने वाले शुक्रवार को नमाज अदा होनी और इसी के लिए एहतियात के तौर पर तमाम पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, तमाम जो आरएएफ की फोर्सेस है, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश अगर हम बात करें तो पूरी कोशिश यहां पर ये की जा रही है कि आने वाले दिन ऐसी हिंसा ना हो जो बीते शुक्रवार को हुई थी, इसीलिए एहतियात के तौर पर तमाम लोगों से अपील की जा रही है। यानी प्रशासन चौकस है। मैं अंजनी आपके पास आ रहा हूं, सहारनपुर में क्या अपडेट है, क्योंकि 2 दिन के बाद शुक्रवार है, लोग कह रहे हैं कि बरेली में जिस तरीके से प्रदर्शन बुलाया गया था, लेकिन हालांकि अभी दिन बता रहे हैं कि उसको पोस्टपोन करके रविवार कर दिया गया है, उस दिन को लेकर सहारनपुर में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पिछली बार यहां से भी हिंसा की तस्वीरें आई थी। बिल्कुल प्रतीक्ष, और जो लोग चाहे वो वैसी हो या फिर मौलाना साहब जैसे लोग, वो अधिकार की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, उस कर्तव्य का पालन वो लोग नहीं करते। जहां तक सहारनपुर की बात करें तो अभी इस वक्त जो है डीएम साहब पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, यानी उसमें पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि शुक्रवार के दिन कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा आरएफ को तैनात कर दिया गया है, हर एक घंटे पर अलग अलग मोहल्ले में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। इसके अलावा धर्मगुरुओं के साथ बैठक की जा रही है कि आगे कम से कम जुमे को भाई बदनाम न करिए, शांति और अंजनी सचिन हितेन चंदन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने जल्दी से अपने मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट अंबर जैदी हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय राणा भी है, मेहताब उस्मानी इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मोहम्मद फरहान भी जुड़ेंगे, AIMIM के स्पोक्स पर्सन है, अरविंद कुमार जैन जी जुड़ेंगे जो कि फॉर्मर DGP हैं UP के। मेहताब उस्मानी साहब, भाई तौकीर रजा कहते हैं कि हम लाठी गोली खाकर जेल जाने को तैयार हैं, हम पैगंबर
साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर रहे। कौन चाह रहा है भैया कि आप लाठी खाओ, डंडे खाओ, तो फिर काहे के लिए लोगों को बुला रहे हैं वो? तो यार सर, आप सरकार को बात मान लेनी चाहिए ना। एक आदमी के लिए इतने बड़े बवाल क्यों कराते हैं? डाल दो जेल में उसको उठा के, क्या दिक्कत है? लेकिन उनको जेल में डालेंगे तो फिर आप ही को कहेंगे जेल भेजने के लिए? नहीं, उनको जेल में डालेंगे तो आप ही कहेंगे मैं उस्मानी साहब गलत किया, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? क्या क्या नहीं, तौकीर रजा को नहीं कह रहा मैं, तो नुपुर शर्मा को कह रहा हूँ जिसके लिए विरोध प्रदर्शन। अच्छा, तौकीर शर्मा को नहीं, तौकीर तौकीर रजा को छोड़ दे, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करें जी। भाई प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है आप बताइए? किसके लिए लोग इतने परेशान हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, किसके लिए परेशान है आप बताइए? नुपुर शर्मा के लिए ना, पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने कह दिया, लेकिन सरकार पे असर ही नहीं हो रहा। अच्छा भाई, क्या बड़े बड़े नेता जेल जाते हैं, अगर एक चला जाएगा यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ की डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान तालिबान से चलेगी क्या? मुस्लिम देशों ने कह दिया इसलिए कहीं से चले, अरे कोर्ट है ना साहब, हिंदुस्तान मामला दर्ज है ना, हिंदुस्तान मामला दर्ज है ना, मामला दर्ज है ना उस्मानी साहब, तो लो कार्रवाई, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मैं आपकी बात को मान लिया, जेल क्यों नहीं जा रहे? मामला दर्ज है, मामला दर्ज है तो जेल क्यों नहीं भेज रहे? उस्मानी साहब मतलब आप ये कह रहे हैं नुपुर शर्मा को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक देश में ये उत्पात उत्पात के नाम पर हंगामा बवाल चलता रहेगा, और पुलिस प्रशासन चाहे कहीं की भी सरकार हो, झारखंड की हो, यूपी की हो, दिल्ली की हो, कहीं की भी सरकार अगर कार्रवाई करती है तो फिर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। क्यों नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया? और जिन लोगों ने महादेव का अपमान किया उसके बारे में ना कहेंगे आप, जुबान सिल जाएगी। ये बताओ कानून आप, ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, मुझे शामिल मत करो अपनी बात में, सोच के साथ ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। ये बताइए कुवैत में, कुवैत ने जो आप प्रदर्शन कर रहे थे, कुवैत ने सारे लोगों का वीजा रद्द कर दिया है और डिपोर्ट कर दिया है और कभी भी इनको एंट्री नहीं मिलेगी, वो किसकी वजह से हुआ भैया? क्या सारी झूठ बात है, झूठा है सारी, सारी झूठ, अरे सारे झूठे, अरे समस्या ये है स्कॉलर साहब, झूठे बात है, नॉलेज जो ज्ञान होता है बीबीसी में पढ़िए, ज्ञान वो आप बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ो, वो ज्ञान आपके पास शून्य है, समस्या आपके साथ ये टीवी डिबेट पे आते हो, पढ़ते लिखते नहीं, अरे कम से कम पढ़ लिया करो, आप बोलो की न्यूज़ है, आप बोलो कुवैत की न्यूज़ है, आप बोलो, आप बोलो, पढ़ लिया करो आपसे ज्यादा तो ज्ञान बढ़ेगा। और नुपुर झूठ बोल रहे हैं आप, क्लियर बीबीसी की न्यूज़ पढ़ो, झूठ बोल रहे हैं आप, क्लियर करेगी आप, क्लियर झूठ बोल रहे हो सर, इसका मतलब क्या बोल रहे हो? पूरा देश कुवैत के लिए झूठ बोल रहे हो, आप लगा दोगे क्या? आप तालिबान बना रखा है, ये तालिबान है कि हिंदुस्तान है, ये बताओ? तुम्हारे कहने से चलेगी देश, तुम्हारे संविधान चलेगा कि शरिया चलेगा देश? आप डिसाइड कर लो क्या है भैया, देश संविधान से चलेगा, आपके कहने से नहीं चलेगा। एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों को भी लाऊंगा डिबेट में। अंबर जैदी जी, मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मेरे बाकी जो मेहमान जुड़े हुए हैं सारे लोग देखिएगा इस तस्वीर को, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जरा प्ले कीजिएगा साहब। रांची से एक तस्वीर आई है, सीसीटीवी फुटेज है, प्ले कीजिएगा प्लीज। और इस तस्वीरों में आप देखेंगे कि वहां पर चल क्या रहा है, और उसके बाद कहा जाएगा कि कलेक्टिव पनिशमेंट, मुसलमानों पर कलेक्टिव पनिशमेंट, मजलूम। अरे साहब क्यों भड़का रहे हो? छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर देकर सड़क पर उतार रहे हो आप, वहां पर ठेले पर पत्थर भेज रहे हो, पेट्रोल बम चलवा रहे हो, पुलिस वालों पर फायर करवा रहे हो, और कहोगे कलेक्टिव पनिशमेंट। विजुअल हो तो प्लीज चलाइए पीसीआर। चलिए लगता है कि ठीक थोड़ी देर में विजुअल हमें दिखा पाऊंगा आपको। अंबर जैदी जी, ये बार बार ये कलेक्टिव पनिशमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने कहा कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है मुसलमानों को, मजलूम बेचारों को। तो साहब ये पत्थर किसने थमाया उनके हाथ में? बीजेपी वाले पत्थर थमा रहे हैं, कांग्रेस वाले पत्थर थमा रहे हैं, कौन थमा रहा है पत्थर? प्रत्यु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो ओवैसी जी जो जब बुलडोजर की कार्रवाई होती तो उसको कहते हैं कि भाई कौन से कानून के तहत या कौन से कानून और संविधान के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पत्थरबाजों के लिए एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि भाई कौन सी कानून और कौन से अधिकार के अंतर्गत आप पत्थरबाजी, आगजनी या सड़कों पे इस तरह के हंगामेबाजी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो लोग जो देश की बात करते हैं, कानून और संविधान की बात करते नजर आते हैं, लेकिन इस तरह की जो उपद्रवी हैं उनको बढ़ावा देते हैं, और एक्चुअली किया धरा सारा उन्हीं का,
उन्होंने तो ओवैसी जी को आपने देखा होगा पहले गोल टोपी लगाते थे, अब कुछ पिछले हफ्ते वो सर पे कफन बांधे हुए नजर आ रहे थे। ये सिंबोलिज्म, ये नौटंकी, ये जो रंगमंच पे कार्यक्रम करते हैं ना नौटंकी, ये खुद तो कुछ करते नहीं है, खुद तो भाई सिक्योरिटी में बैठे रहते हैं, अपने बच्चों को फॉरन भेज देते हैं, एक आम गरीब मुसलमान के बच्चे को सड़कों पर पत्थरबाज बना के उतार देते हैं, या तो गोली खाएगा या फिर जेल में जाएगा। वो लोग ये समझने को तैयार नहीं, आम लोगों को मोहम्मद फरहान को रखिए स्क्रीन पर, मोहम्मद फरहान को रखिए स्क्रीन पर, उनको ये समझना होगा कि आप आम मुसलमान, गरीब मुसलमान को इस दंगे का शिकार बना देते हैं और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बना के रखते हैं और अभी भी अभी सवाल उठाते हैं कि किस कानून के अंतर्गत। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूं। आप बताइए आप कैसे हैं? सर मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। प्रत्युष जी आप? जी मैं सर कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देख लेते हैं। आपको जो जवाब, जो सवाल करना है कीजिए सर, सरकार प्रशासन सब पर सरकार आपको प्रश्न करने का हक है, लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं, ये प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने कुछ तस्वीरें जारी की है, ये पोस्टर्स हैं, ये युवा हैं, ठीक है, ये युवा हैं और मुझको लगता है कि इनकी उम्र बमुश्किल 20 से 26 साल के बीच में होगी और हो सकता है कुछ तो 17-18 साल के होंगे। इनके हाथों में पत्थर लेकर किसने भेजा ये बवाल करने के लिए? और एक सीसीटीवी फुटेज है जो रांची पुलिस ने जारी किया है, उसमें एक शख्स हनुमान मंदिर के बाहर फायरिंग करता नजर आ रहा है, ये भी देखिए जरा, ये कौन लोग हैं सर? ये मंदिर के सामने फायरिंग करने वाले, यहां तो जुबान सबकी चुप है प्रत्युष। और फिर आप कहिएगा कलेक्टिव पनिशमेंट हो रहा है मजलूम बेचारों पर, तो ये पत्थर लेकर निकल के, ये मजलूम बेचारे पत्थर लेकर निकलते हैं। अच्छा प्रत्युष मैं बोलूं फिर? आप बोलिए 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 बोलिए। देखिए आपने जो अपने स्क्रीन पर फोटो दिखाई वो मुझे भी आई है, मैंने भी क्या नाम है देखा है उसको, तो क्या नाम है जिस पर एक एक गाड़ी पर 3 लड़के बैठे हुए हैं, रुमाल बांधे हुए हैं, एक गाड़ी पर 2 लड़के बैठे हुए हैं, इस तरह की तमाम तस्वीरें हैं। मैं वो वाली तस्वीर नहीं देख पाया हूं जो आप बता रहे हैं कि मंदिर के सामने गोली चला रहा है लड़का। चल रहा है सर, स्क्रीन पर चल रहा है। आप कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रांची से ये तस्वीर, रांची से। मैं कह तो रहा हूं ना कि अगर आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं मैं मान सकता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं प्रत्युष, देखिए आप एक ऐसे एंकर हैं जिनका नाम आज भारतवर्ष में टॉप एंकरों में लिया जाता है, आप कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे। देखिए प्रत्युष मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने के हाथ में पत्थर है या जिन लोगों ने पत्थर चलाया है या जो लोग फायरिंग कर रहे हैं, जिन के हाथों में बम है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करिए धर्म विशेष से हट करके, मगर कार्रवाई एक पक्षी नहीं होनी चाहिए, जिनके हाथ मर भी है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी में बनती है धारा उन धाराओं में कार्रवाई करिए और सख्त से सख्त सजा कोर्ट में दिलवाने का काम करिए। न्यायपालिका तय करेगी कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, यह सजा देने का जो अधिकार है यह न्यायपालिका का है, न्यायपालिका तय करेगी कि उनको किस अंतर्गत किस धारा के तहत कितनी सजा मिलनी चाहिए कितनी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि जैसे आपने जोड़ा ना, लेकिन आपने एक बड़ा सा मगर जोड़ा, आपने कहा लेकिन और मगर। सर मैं ये कह रहा हूं फरहान साहब, मैं ये कह रहा हूं कल को पहचान होती है उसमें से 10 में से 8 मुस्लिम निकलते हैं, 2 हिंदू निकलते हैं, फिर आप कहिएगा कि देखिए साहब 8 मुसलमानों को फंसा दिया गया, कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, देख यही तो समस्या है ना सर। प्रत्युष मैं आपकी बात को से आपको मैं क्योंकि सर मैं बता रहा हूं कि जहांगीरपुर हिंसा में एक नैरेटिव चलाया गया कि वहां पर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया, आपको पता है वहां गुप्ता जी की भी दुकान थी, आपको पता है वहां जैन वालों की भी दुकान थी, उनको भी तोड़ा गया, यह नैरेटिव तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं उन्होंने तो नहीं कहा साहब, उन्होंने तो नहीं कहा। तो इस चीज को ढकना और एक चीज को उजागर करना ये क्यों? जी नहीं देखिए ये क्या नाम है कि सांप्रदायिकता का माहौल देश में पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद करती है, एमआईएम पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। सीधी सीधी बात मेरी है, जिन लोगों ने वैसी साहब ने, अभी मैडम ये कौन बोल रही मुझे नहीं पता है, अंबर जैदी भाजपा प्रवक्ता है कि क्या है,
एक भारत नागरिक है, भाजपा के प्रवक्ता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं भारत की प्रवक्ता हूँ और भारत की देश की बात रखती हूँ। आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोलते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। ये बेशर्मी, लोकतंत्र में रह के आप कहते हैं कि हम तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों के नेता है। फिर आप उठाएंगे सवाल कि भाई कलेक्टिव धरनेबाजी पत्थरबाजी करने के लिए उतरता कौन है? अगर उन पर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि भाई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आप मुसलमानों को मंचों से, आपके जो वो हैं सदर साहब, वो मंचों से भड़काते हैं आम गरीब मुसलमान को और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनको मुसलमानों ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश में अंजाम देखा कि जमानतें जब्त हो गई, लेकिन मानते नहीं है। इसी तरह से उनकी रोटी चलती है, इसी तरह से वो अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखते हैं कि भाई ओवैसी जी मुसलमानों। मैं अरविंद कुमार जैन जी का भी मैं रुख करूंगा, फॉर्मर डीजीपी है यूपी के। अरविंद सर, फिर ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पुलिस को कि कोई कड़ा स्टेप कैसे लेगी पुलिस। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है ये पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को भली भांति पता है। उत्तर प्रदेश में बहुत से क्राइसिस आए, देश के स्तर पर उनपे दंगे हुए, पर उत्तर प्रदेश में शांति रही। ये बात ठीक है कि 3 तारीख और 10 तारीख को कुछ घटनाएं कारित कर दी गई। ये विश्वास था कि कोई ऐसी घटना नहीं होगी। अब पुलिस बल सतर्क है, प्रशासन सतर्क है, उत्तर प्रदेश का शासन सतर्क है, सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं दंगाइयों के खिलाफ, बलवाइयों के खिलाफ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में शांति बनी रहेगी और प्रशासन सख्ती से 144 का पालन करेगा। जो नए जुलूस, प्रदर्शन, ये सब, इसकी जो अनुमति कोई मांगी जाए, इसको कतई ऐसे कम्युनली सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर में नहीं देना चाहिए। 144 का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे कि जो कम्युनल एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, वो नीचे आ जाए। इस समय शांति बनाए रखने, लेकिन एक बात समझाइएगा सर जी, 3 तारीख को कानपुर में हिंसा होती है और 10 तारीख को यूपी के कई जिलों में जुमे के नमाज के बाद हिंसा होती है, और उसके बाद जो खबरें आती हैं कि साहब पहले से प्लानिंग चल रही थी, तो 3 के बाद भी यूपी पुलिस सबक नहीं लेती है, 10 तारीख को हिंसा हो जाती है, फिर कहती है प्लानिंग पहले से चल रही थी। LIU क्या कर रहा था सर? क्या पुलिस प्रशासन पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या आप सो रहे थे? क्या इंतजार कर रहे थे कि सड़क पर बलवा हो और बवाल हो, उसके बाद हम बताएं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि 10 तारीख की कोई प्लानिंग थी, भारत बंद की कॉल थी। मैंने भी कुछ चैनल्स पे सुना कि हां साहब भारत बंद की कॉल थी, तो कोई पेपरों में नहीं छपा, किसी मीडिया में नहीं चला जी कि भारत बंद की कॉल थी। हाँ, कुछ पोस्टर्स उस दिन के बवाल के बाद अवश्य देखे गए कि साहब वो जो है भारत बंद की कॉल। सर, 10 तारीख को प्रयागराज में जिसे कहा जा रहा है मास्टरमाइंड जावेद पंप, उसके मकान को तोड़ा गया और कहा गया कि अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें निकली हैं, पोस्टर्स निकले गए हैं, जिससे पता चलता है कि प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। नहीं तो ये साजिश है एक तरह की, तो ये साजिश का LIU को पता ही नहीं चला। हाँ, आप गोपनीय रूप से इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। हाँ, आप इस प्रकार की साजिशें रच रहे हैं जिससे कि आपके शहर में ही आग लग जाए, तो ये तो गलत है। ये गलत है और ऐसे ऐसे लोगों को नसीहत दी जानी चाहिए, सख्ती से दी जानी चाहिए, कोई इसका कितना भी विरोध करे। मेरा ये मानना है कि जो भी बलवाई है, जो भी दंगा करने वाले हैं, PAC का ट्रक फूकने वाले हैं, पथराव करने वाले हैं, कश्मीर के पैटर्न पे मुंह में रुमाल बांध के, तौलिए बांध के, गीले रुमाल बांध के पथराव कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आगे किया गया है, अब पता चला है कि पैसे के लालच में और बिरयानी के लालच में ये घटनाएं हो रही थी, वहां पर भी स्टोन पेल्टिंग कश्मीर में जो है पैसे के लालच पे होती थी, ये सब बाद में सबका सब जो है ये डिस्क्लोजर्स हुए थे। तो इसके प्रति अब सतर्क रहना होगा और इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को, शासन को नसीहत लेनी चाहिए कि और आगे आने वाले समय में बहुत ठोस और पुख्ता इंतजाम करके रखें, पुख्ता इंतजाम करके रखें, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर जुमे का दिन है और फिर उस दिन बवाल होने की आशंका है। हालांकि आपको अपडेट दे दूं, तौकीर रजा, जिसने ऐलान किया था जुमे की नमाज के दिन विरोध प्रदर्शन करने का, अब कहा जा रहा है कि अब रविवार को लेकिन धरना प्रदर्शन होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं, लेकिन यहां पर जितने तमाम मेहमान वो कह रहे हैं कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो कुछ बयान मैं ब्रेक के बाद आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा जरूर और तय कीजिएगा कि यह देश कैसे चलाना चाहते हैं कुछ लोग, संविधान से या अपने मुताबिक से। वो बयान इस ब्रेक के बाद मैं आपको सुनाऊंगा।
एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। सवाल यह है कि दो दिन के बाद जुमा है और उस दिन विरोध प्रदर्शन का ऐलान बरेली में किया गया, हालांकि अभी उसे पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन विरोध प्रदर्शन होगा, पुलिस चौकस है। सवाल यहां पर यह भी उठाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन सरकार सख्ती कर रही है, बेवजह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल है बच्चों के हाथों में पत्थर कौन थमा रहा है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्या इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कौन इसके पीछे है उसको बेनकाब नहीं करना चाहिए, जो लोग चाहे कोई भी हो बच्चों को युवाओं को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ शिकंजा नहीं कसना चाहिए। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मैं आपको कुछ बयान सुनवाऊंगा, जरा बयान सुनिए और उसके बाद आप सोचिए कि ये देश कैसे चलना चाहिए। बयान सुनाइए जरा मदनी साहब का। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे, रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से। चलिए ये कुछ दिन पुराने बयान था, ये मैं आपको सुना रहा था। मेहताब उस्मानी साहब, अभी आप कानून की दुहाई दे रहे थे, मदनी साहब तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कानून बना लो, मुस्लिम अगर चाह लिया तो वो शरीयत के हिसाब से ही चलेगा, फिर मतलब ही नहीं है कानून बनाने का। सर अब कानून के, आपको कुछ लगता है कानून बनाने की जरूरत है किसी के, या कोई कानून बचाया देश में? कुछ नहीं बचा देश में, देश में कानून नहीं बचा। मैं तो कहता हूँ पुलिस प्रशासन, देश में कानून नहीं बचा है, लोग बिठा दो। सर एक पूरी बात होने दो, अरे पूरी बात तो होने दो मेरी गुरुजी, पूरी बात तो होने दो, आप तो बीच में जुबान पकड़ लेते हैं। अरे नहीं तो साहब, अरे हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जुबान पकड़ लेते हैं, क्या करना चाहिए? आपकी जुबान पकड़ लेंगे आप, बोल ही नहीं देते सर। अरे नहीं बोलने दीजिए, बोल लीजिए वरना फिर शिकायत हो जाएगी, फिर वो कहेंगे कि देखिए कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है मेहताब उस्मानी साहब को। नहीं सर माफी चाहूंगा, बोलिए 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 सर। बिल्कुल दिया जा रहा है, बिल्कुल सर मीडिया में भी। चलिए सर मैं खामोश हो गया, देखिए मैं खामोश हो गया, बोलने नहीं दिया, बोलिए बोलिए सच बात बोलेंगे तब बोलिए सर, बोलिए। देखिए अब क्या होना चाहिए कि कुछ आधी मीडिया को तो पुलिस प्रशासन में बिठाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में आईबी पे भी नहीं है, और कुछ मीडिया वालों को दूसरे सेक्शन में जैसे आईबी वगैरह इसमें बैठा देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के घर में क्या बन रहा है वो मीडिया को पता है। आपको कहाँ बैठाना चाहिए, ऐसी कौन अपराधी है कौन नहीं है, मीडिया को कहाँ बैठाना चाहिए? अरे सुन लीजिए पहले, सुन, अरे भैया कानपुर प्रयागराज में इमरान खान पर चले, बात तो सुनो, बात तो सुनो, ये दिक्कत है मेहताब उस्मानी साहब। देखिए अभी हम भैया अभी हम हिंदुस्तान में डिबेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस दिन आप कराची में बैठ के डिबेट कीजिएगा उस दिन मैं पाकिस्तान बड़ा प्रेम आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कृपया करके वीजा ले लीजिए। मैं तो आपको क्वालिटी बता रहा हूँ, मैं तो क्वालिटी डिबेट करिएगा, मैं तो क्वालिटी बता रहा हूँ आपकी, अरे क्वालिटी बता रहा हूँ। अच्छा क्वालिटी बता रहे, अपनी भी बताइएगा आपकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बारे में भी बताइएगा कि आपको कुछ नहीं आता, देश को भड़काते हैं, दंगा फैलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, देश को लोग मारते हैं, ये अपने बारे में जरा बताइएगा बाद में, पहले मीडिया को बता लीजिए, बताइए बताइए, नहीं तो मेरा तन सर से जुदा। बोलिए 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 सर, बोलिए बोलिए, यहाँ पर आके कोई नहीं कहेगा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अरे सर बोल देंगे, धमकी डर लगता है, बोलिए सर। कोई सर बोलिए, ये होगा, ये मुझे लगता है ये भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, इतने वो हो रहे हैं, भड़क रहे हैं जो, भाई क्या करे, देश का नागरिक हूं। बोल लीजिए सर, आपसे तो आपने कहा ना कि देश में कानून कहाँ है, भैया आपको कानून ने हक दिया है, अधिकार दिया है, तब आप बैठ करके डिबेट कर रहे हैं सर। कानून यहाँ पर तो लोगों को हिंदुस्तान लिंचिस्तान लगता है, अगर ये कानून ना होता, क्या कानून संविधान ना होता, कानून संजय राणा जी, संजय राणा जी मैं चाहूंगा कि एक मिनट के लिए बिना रोके टोके उस्मानी साहब को बोलने दीजिए, मेहताब उस्मानी साहब बोलिए, एक मिनट आपको दिया, बोलिए सर। देखिए क्या कानून में ये प्रोविजन नहीं है कि अपराधी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, क्या अपराधी को अपना अपराध वो है अपराधी या नहीं है इसको सिद्ध करने का मौका दिया जाए,
क्या कानून में ये व्यवस्था नहीं है कि अगर आप अपराधी को पकड़ोगे तो सीधे कोर्ट में पेश करोगे, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाओगे? क्या कानून में ये अधिकार नहीं है या संविधान में ये अधिकार नहीं है कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है ये कोर्ट साबित करेगा? क्या सरकार को ये अधिकार है कि आप बिना कोर्ट जाए उनपे अपराध साबित करें और उनका घर गिराएं? बताइए, आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था है, हम भी मानते हैं जी, अब यहाँ कानून का व्यवस्था कहाँ जाती है जी? आप मुझे बताइए कहाँ जाती है? एक भी पॉइंट पे अंबर जैदी जी, आपसे अंबर जैदी जी आपसे परमिशन मांग रही है मेहताब उस्मानी साहब, आपसे इजाजत है? मुझे लग रहा है कि मैं हाथ जोड़ करके आपसे अनुमति मांगू। बोलिए मेहताब उस्मानी साहब जी, कलेक्टिव पनिशमेंट तो नहीं हो रहा है ना? हाँ जी मेहताब जी, अंबर जैदी जी रिक्वेस्ट कर रही है कुछ बोलूं। अभी जो उस्मानी साहब ने इतना ब्रह्म ज्ञान दिया है ना, ये आप नूपुर शर्मा के केस में अप्लाई नहीं होता कि एक जो किसी ने कोई अपराध किया है उस, हमारे देश में तो जो कसाब है उसको भी इतना समय मिला, उसको जबकि इतने सारे एविडेंस थे, सारी चीजें वीडियोस थी, दुनिया भर ने देखा कि किसने क्या किया, उसके बावजूद भी उसको समय मिला। आप भी मानते हैं इस बात को, आपने अभी कहा, तो उस लॉजिक के हिसाब से क्या नूपुर शर्मा को अपनी गुनाह या उन्होंने जो भी किया उसकी सफाई देने की इजाजत नहीं है भारत के कानून के तहत? वही चीज आप अपने केस में याद रखते हैं, दूसरे के भूल जाते हैं, अपने लिए आपको कानून याद आता है, दूसरे को आप शरिया के तहत इंस्टेंट आप सजा सुनाना चाहते हैं, तो आप ये दोनों चीजें क्यों करते हैं ना? दोनों हाथों में लड्डू लेते हैं, जब चाहे जो लड्डू खा लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, सबको एक ही कानून फॉलो करना पड़ेगा, चाहे अधिवेशन करने कितना ही चिल्ला ले, कितना ही सड़कों को उतरवा ले, सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना पड़ेगा इस देश में, सब बराबर देश के नागरिक है, सबके अधिकार भी बराबर है, पत्थर फेंके हैं वो जेल में है या नहीं है? क्या क्या बोला आपने, मैं सुनी? वो कह रहे हैं जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं वो जेल में, हालांकि कई लोग अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए, पोस्टर जारी करने पड़ रहे हैं पुलिस को, पुलिस के पास जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज है, फोटोज है, जिसने बयान दिया है वो जेल में होना चाहिए। आप लगातार बोलते रहते हैं, आप पर भी बोलते रहते हैं, मोहम्मद फरहान जी, मोहम्मद फरहान को भी लाइए स्क्रीन पर लाइए, सब्र कर लीजिए मोहम्मद फरहान साहब। और मोहम्मद फरहान साहब, आपने जमात उलेमा हिंद को सुना, वो कह रहे हैं मदनी और ओवैसी ये दोनों मिलकर के युवाओं को भड़का रहे हैं। हाँ, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं जमातुल उलमा, उनसे क्या नाम है, उन्होंने अपने एक नाम से बना रखा है, उसके वो अध्यक्ष हैं, आप इसकी पहले पड़ताल कर लीजिए प्रत्युष, फिर कहा करिए जमातुल उलमा हिंद, वो बीजेपी के एजेंट है, हिंद के मदनी साहब अध्यक्ष है, ये नहीं है, नहीं नहीं मतलब आप बात, तो मदनी साहब ने कहीं जमात उलमा हिंद, जमात उलमा हिंद, अगर मैं गलत नहीं हूं मैं फिर चुप हो जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूँ अगर आपको, नहीं नहीं अगर मैंने जमीयत बोला होगा तो गलत बोला होगा, मैं जमात उलेमाए हिंद, कासमी साहब सही बोला है आपने, बिल्कुल सही बोला, और उनका ये बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, वो कह रहे हैं कि ओवैसी और मदनी ये दोनों मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। बोलिए फरहान साहब। देखिए प्रत्युष जी, मैं जैसे बोलने चलूंगा तो ये भी जो भारत के प्रवक्ता को बुला रखते हैं आप, हेलो बोलिए, पहले सब सुन रहे हैं सर, भाई भारत के प्रवक्ता तो बनेंगे, अगर देश भाई जैसे आप प्रवक्ता हैं, जैसे आप प्रवक्ता हैं, हमारा हक है बोलने का, हम बोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, आपकी तरह नहीं किसी एक वर्ग के प्रवक्ता है, सिर्फ एक वर्ग के बारे में बात करेंगे, हम देश के बारे में बात करते हैं, हमारी बहन बगल में बैठी है भी देश के बारे में बात करती हैं, हम लोग सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। अरे इतनी दर्द क्यों होता आपके पेट में, दर्द क्यों हो जाता अचानक? फरहान साहब बोलिए, हम आपको सुन नहीं रहे, नहीं सुन रहे तो आपको हम नहीं सुन रहे, आप सुनने लायक हैं? देखो सुनने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, हम आपको सुन ही नहीं रहे, आप हैं कौन मुझे ये नहीं पता, दोनों आपके पास नहीं है, आप हैं कौन मुझे ये नहीं पता, दोनों आपके लीडर लेके चले गए, जो हम आपको सुनते ही नहीं, वही सुनते हो वही करते हो, हम आपको नहीं सुनते, चिल्लाते रहिए, ये आपके साथ समस्या है ना, खूब चिल्लाइए, अरे चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए फरहान साहब, आपको कुछ कहना है तो कहिए, आपको लगता है जमात साहब, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ जमात साहब, एक से फरहान साहब माफ कीजिए, फरहान साहब आपको तीसरी बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार आपको कुछ कहना है? मैं कहना चाहूंगा उससे पहले वो बोलने लगेंगे, नहीं कोई नहीं बोल रहा, अभी तो बोलिए, मैं खामोश हो जाता हूं, अभी तो बोल लीजिए, अभी बोलने दीजिए, ये चौथी बार मैंने बोला, बोलिए। देखिए प्रत्युष, मैं एक प्रत्युष एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए, बिल्कुल एक मिनट दिया सर, एक मिनट दिया, पूरा दिया, आके यहां पे इंटरप्ट करना स्टार्ट कर दे,
देखिए मैं प्रत्युष एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एमआईएम पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया है, प्रवक्ताओं का उत्तर देने के लिए, उनके प्रश्न, उनसे प्रश्न पूछने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के दत्तक पुत्र या पुत्रियों से बहस करने के लिए या डिबेट करने के लिए मुझे एमआईएम पार्टी ने प्रवक्ता नहीं बनाया है। इसलिए मैं जो भी बातें कहूंगा वो प्रवक्ता से ही कहूंगा या प्रवक्ता की बात का उत्तर दूंगा या आपको प्रश्न जो पूछना चाहे मैं उसका उत्तर दूंगा। बाकी इनकी भाई आपकी बात सुनने के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं। ये बताओ यूएससी कब गिरफ्तार हो रहा, यूएससी की गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं करते हो आप? आप हमारी बात नहीं सुनोगे, हम आम जनता है, सुनना पड़ेगा। तो आपको सुननी पड़ेगी ना। कौन भाई बताए करो डिबेट में, मतलब आपकी मर्जी हुई तो आपने सुना, नहीं मर्जी हुई तो नहीं सुना। ऐसे तो फिर डिबेट हो गई, ऐसे तो डिबेट हो गया। प्रवक्ता के बोलेगा एक सेकंड, भाजपा पुत्रियों को मुझे नहीं सुनना, भाजपा के दत्तक पुत्र और पुत्रियों को नहीं सुनना, भाजपा के दत्तक पुत्र बनने जाएंगे तो मुझे नहीं सुनना, बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, मेरे सहयोगी सचिन वहां पर है, पोस्टर्स पुलिस वहां पर चिपका रही है, पोस्टर्स वहां पर पुलिस चिपका रही है जो लोग उस हिंसा में शामिल थे। जल्दी से अपडेट दीजिए सचिन। बिल्कुल प्रत्युष, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से तमाम पुलिस फोर्स जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और वो देखिए आप किस तरीके से बोर्ड पर यहाँ पर पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं, यही वो दंगाई है, यही वो लोग हैं जो हिंसा में शामिल भी हुए थे। और देखिए सिर्फ यहां नहीं, और भी अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर पोस्टर जो है ये देखे जाएंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फोटोज वीडियोज जो है वो पहले शेयर किए गए थे, और ये वीडियोज के जरिए कुछ स्क्रीनशॉट्स है, कुछ ऐसे स्नैप है जिनको लिया गया, और आप देख पा रहे हैं उनके चेहरे भी एकदम क्लियर है। ये एक कदम जो है वो उठाया गया है कानपुर के तर्ज पर, जिस तरीके से कानपुर में कार्रवाई हुई थी, फोटोज जो है चस्पा किए गए थे, ऐसे ही अब प्रयागराज में भी जो दंगाई है, जो हिंसा में शामिल थे उनके पोस्टर्स यहां पर अब फिलहाल रिलीज कर दिए गए, और आप देख पा रहे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से ब्रीफ भी किया गया यहां पर कि 10 जून 2022 को अटाला इलाके में घटित घटना से संबंधित संदिग्धों के ये फोटोग्राफ से जिनकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है, और कुछ नंबर्स भी यहां पर जारी कर दिए गए हैं, और इन नंबर्स पर ये अनुरोध किया गया है कि जो जो लोग इन लोगों जानते हैं, जिनके पास भी इनकी इन्फॉर्मेशन है, वो इस नंबर पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और यह भी लिखा गया है कि आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप किस तरीके से प्रयागराज पुलिस और यहां की प्रशासन एक्टिव मोड में है, और पोस्टर्स लगाकर ये लोगों से अनुरोध, ये लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप सभी लोग प्रशासन की हेल्प करें, मदद करें, क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहचान भी लिया गया है, लगभग 92 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन जिनकी गिरफ्तारियां नहीं हो पाई है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, उनके पोस्टर्स आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। सचिन एक बार और जाइएगा पोस्टर के करीब, पोस्टर्स में कुल कितने लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद एक एक स्टिल शॉट निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी अभी जी देखिए, बिल्कुल आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और आप देख पा रहे हैं ये 10 ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी फोटोज जो है यहां पर फिलहाल सामने हैं। हालांकि इसके अलावा और भी तमाम तस्वीरें अगर हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखा भी पाते, हालांकि दूर दूर अलग अलग गलियों में जैसे भी है बोर्ड्स हैं वहां पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। फिलहाल आप यहां पर 10 दंगाइयों की तस्वीर देख सकते हैं, और एकदम देखिए आप किस तरीके से क्लियर फोटोज जो है वो सामने आई है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पहला जो उपद्रवी है वो दौड़ते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कुर्ते में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, व्हाइट शर्ट में आप देखिए, इसके अलावा देख पा रहे किस तरीके से आप पिलर के पीछे जो एक शॉट आपको दिख रहा है, ब्लैक कुर्ते में आप देखिए, ब्लैक शर्ट में आप देखिए। तो ये वो 10 दंगाई है जिनकी तस्वीर यहां पर फिलहाल बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, उनकी पहचान हो सके और एक्शन जो है वो लिया जा सके, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको शांति व्यवस्था बनाकर ही रखनी होगी। और मैं आपको बता दूं सचिन, मैं आपको रोक रहा हूं, बता दूं कि प्रशासन ने 3 नंबर जारी किए हैं, और ये कहा है कि आप इन नंबरों पर आप जानकारी पुलिस के साथ साझा कीजिए, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, मतलब किसी को नहीं बताया जाएगा कि किसने पुलिस को यह सूचना दी है। लेकिन इन तस्वीरों को गौर से पहचान लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने इस शख्स को देखा है जो इस पोस्टर में आपको नजर आ रहा है, तो पुलिस को इन 3 नंबरों पर, वो 3 नंबर आपके सामने है। सचिन जरा आप एक बार वहां पर अगर नजदीक में है तो कुछ और तस्वीरें आप दिखा पाए तो दिखाइए। आप देख पा रहे हैं देखिए और भी पोस्टर है,
बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं आप हमारे साथ ये आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर, और भी ये दंगाई हैं। आपको हमने दिखाया किस तरीके से 10 दंगाइयों की तस्वीर जो है वहां पर लगाई गई थी। इसके अलावा और भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 दंगाई ये भी है, और इसके पीछे आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार पहचान की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि जरा सिलसिलेवार तरीके से इन तस्वीरों को भी दिखा दें कि यही वो दंगाई है जिन्होंने 10 जून को प्रयागराज में हिंसा भड़काई थी। ये धर्म नगरी में हिंसा को भड़काया था जहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद रहता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कुछ लोगों ने प्रयागराज को हिंसा में झोंकने की पूरी कोशिश की। और आप देखिए यही वो तस्वीर है जिस पर लगातार पुलिस फोर्स जो है वो एक्शन में, आप देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लगातार पोस्टर जो है वो आगे भी देख पा रहे हैं, आप गाड़ी से जो है आप वाहन से जो है आगे जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और आगे जो भी चौराहे पड़ेंगे जहां पर लोगों की मात्रा अधिक होगी वहां पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। और यही अनुरोध किया जा रहा है कि देखिए अगर आपके पास कोई जानकारी है, कोई इंफॉर्मेशन है तो पुलिस को तुरंत दें, क्योंकि इनके पहचान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है सचिन, ठीक है, यही बोलो, ठीक है सचिन, हमें अपडेट दे रहे थे, पोस्टर्स वहां पर चस्पा किए जा रहे हैं शहर के चौराहों पर, सड़कों पर, ताकि आम लोग उसको देख पाए। अरविंद कुमार जैन जी, कितना मुश्किल होता है पुलिस के लिए ऐसे हालात में, क्योंकि अज्ञात लोगों के बारे में मामला दर्ज होता है। लगता है अरविंद कुमार जैन हमारे साथ नहीं है। उस्मानी साहब, अब तो नहीं कहिएगा ये पोस्टर्स में लोग दिख रहे हैं, कुछ में तो हाथ में पत्थर भी हैं, अब तो नहीं कहिएगा कि जबरदस्ती लाकर के हाथ में किसी ने पत्थर पकड़ा दिया बदनाम करने के लिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मैंने तो शुरू से नहीं कहा, मैं तो बिल्कुल पत्थरबाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी एक अपील है, अगर आप एक सेकंड दो तो, मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब 16 करोड़ आदमी एक साथ आपसे अपील कर रहे हैं और पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्री, तो आप एक व्यक्ति के लिए सबकी बात रखिए और नुपुर शर्मा को जेल भेज दीजिए। ठीक है, चलिए, आपने अपील कर दी, अपील है, आपने एक अपील कर दी, क्या ये अपील, क्या ये अपील आप असदुद्दीन ओवैसी के लिए, तौकीर रजा के लिए, मदनी के लिए, बाकी जो मौलाना जो लूल जुलूल बयान दे रहे हैं, इम्तियाज जलील के लिए, जो कह रहे हैं कि ला करके मेरे सामने चौराहे पर फांसी पर लटकाओ, उनके लिए भी अपील जारी करेंगे? मेहताब उस्मानी, अभी इस वक्त बता के जाइए आप, इस तरीके के लिए अपील जारी करके जाइए, इस तरीके का जो भड़काओ बयान देता है उस पर भी कार्रवाई। ये अपील मेरी उनसे भी है कि इस तरीके नाम लेके बोलो, नाम लेके बताइए ना, नाम लेके बताइए, नाम लेके बताइए, क्यों नहीं बोल रहे उनका नाम लेके बोलो, आपने ले लिए, अरे मोदी का नाम तो ऐसे लेते रहते हैं, पड़ोसी का लड़का तो लो, नाम तो आपने ले लिया, ओवैसी क्या चच्चा जान लगते हैं आपके, क्या लगते हैं, नाम लो उनका, क्यों प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार करना, तो भैया वो प्रधानमंत्री है उसका आप नाम लोगे, कोई बुराई नहीं है, ओवैसी के अब्बा जान चच्चा जान लगते हैं आपके, क्या लगते हैं, क्यों मदनी क्या लगता है आपका, क्यों नहीं नाम ले रहे हो, डर क्यों रहे हो, एक तरफा बात मत करो, अगर आप अपील कर रहे हो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से, का प्रधानमंत्री से, उसी तरह बोलो कि मैं अपील करता हूँ कि ओवैसी मदनी जितने भी इस तरह के वक्तव्य देने वाले लोगों सबको गिरफ्तार किया जाए, नाम लेके बोलो, क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? फरहान साहब कार्रवाई तो सब पर होनी चाहिए ना जी, कार्रवाई तो सब पर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़ा हो, चाहे वो हिंदू संगठन से जुड़ा हो, किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हो, कार्रवाई तो सब पर होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्युष, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, जिन लोगों ने भी अत्ता बत्तर चलाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी आप डिबेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका विषय है, बहुत अच्छी बात है, निष्पक्ष आप बात कर रहे हैं कि जिन, पहली बार मैंने आपको ये सुना है कि आप निष्पक्ष कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अद्दा पत्थर चलाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं आपके समर्थन करता हूं आपकी बात का, लेकिन फिर तब तो विक्टिम कार्ड तो नहीं ना खेला जाएगा सर, अगर पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो मुस्लिम निकलता है, तो विक्टिम कार्ड तो नहीं ना खेला जाएगा, बस मैं इतनी आपसे जानकारी चाहता हूं, विक्टिम कार्ड तो नहीं खेला जाएगा ना, क्या चीज, विक्टिम कार्ड तो नहीं खेला जाएगा ना सर? अच्छा ये बताइए, पुलिस पकड़ेगी, आप सुन लीजिए प्रत्युष, आपने बोला मैंने आपकी बात सुना, मैं देखिए जब कोई बोलता है मैं उसकी बात गंभीरता सुनता हूं, आपकी बात खासकर मैं गंभीरता सुनता हूं, आपने कहा जो भी बातें कहें, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस जो अपना काम करे उसे काम करने दीजिए, चार्जशीट फाइल करेगी, कोर्ट निर्णय करेगा कि उन्हें क्या सजा देनी है, क्या उन्हें क्या सजा उनके ऊपर, अच्छी बात करेगा, दूसरी अच्छी बात है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान कह रहे हैं कि कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी और उसके बाद कोर्ट को आगे का निर्णय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, प्रसाद देश को जवाब दो में जुड़ने के लिए, लेकिन आगे देखिए मेरा राज्य मेरा देश।